बिहार में बढ़ते अपराध के बाद से सुशासन राज एक बार फिर से कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। बीते दिन एक के बाद एक कई तरह की घटना बिहार में घटी, जिसके बाद से सुशासन राज पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने बीते दिन बिहार के पूर्णिया में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बिहार में बीते दिन घटे कुछ घटनाओं को उठा करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है, पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम से सरकारी लुटेरों ने 20 मिनट में 20 करोड़ रुपए लूट लिए। बता दें कि बीते दिन पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में लगभग 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने बंदूक की नोक पर पूरे शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वहीं पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में हुए लूटपाट की घटना को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सीतामढ़ी को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने सवाल किया और लिखा, सीतामढ़ी के पुपरी में पुलिस की वर्दी में पुलिस के गुंडों ने फुरकान शेख को अकारण इतना पीटा कि उसकी पेट की आग बाहर आ गई। आपको बता दें कि बीते दिन सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को इतना पीटा था कि पुलिस की पिटाई से उसका पेट फट गया था, पेट की आग बाहर आ गई थी। वही सब की बात तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि नीतीश सरकार और उनकी भ्रष्ट पुलिस लुटेरों, अपराधियों और शराब माफिया और गुंडों को संरक्षण देती है तथा निर्दोष लोगों की हत्या करती है। बिहार में मुख्यमंत्री की अक्षमता एवं अरुचि तथा प्रशासनिक अराजकता के कारण चहमोर लूट नकारा पर अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं कोई अधिकारी किसी की सुनने वाला नहीं है। बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर बीते दिन सदन में विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को खूब घेरा था और अब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार और उनकी सरकार को आड़े हाथ लिया है। एक के बाद एक बिहार में बीते दिन घटी कई घटनाओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने सुशासन की सरकार और उनकी पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।